चलिए प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में हम लोग IUPAC नामकरण IUPAC नामकरण पढ़ रहे थे। इसमें हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे। उसमें ये बताया गया है कि यह फार्मूला किसी किताब में नहीं दिया गया है, इस फार्मूले को बनाया गया है और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कलेक्ट करके यह फार्मूला बनाया गया है। सबसे पहले इस फार्मूले को आप कल समझाया गया था, आज मैं इस फार्मूले को दोबारा मतलब लिख के थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ और उसके बाद से उससे संबंध में एग्जाम्पल बताऊँगा, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता है वह पांच भागों में बटा होता है, ठीक है। पांच भागों में फर्स्ट है वन डिग्री पूर्व लग्न। दूसरा बताया गया था आपको 2 डिग्री पूर्व लग्न, ठीक है। तीसरे में आती है मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक। चौथा 2 डिग्री अनुलग्न और पांचवा होता है 1 डिग्री अनुलग्न, ठीक है। यानी इसमें ये बताया गया था आपको कि जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता है, नाम होता है, ठीक, वह बड़ा से भी बड़ा कार्बनिक यौगिक होगा तो उसके पांच भाग होंगे। उसमें आता है 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न, ठीक है। इसमें बताया गया था आपको कि इसमें प्रतिस्थापी आते हैं, प्रतिस्थापी, ठीक है, प्रतिस्थापी बता दिए थे। इसमें बताया गया था इसमें Cl आता है, Br आता है, आयोडीन आता है, EF आता है, ठीक है, यानी हैलोजन। यदि Cl आता है, क्लोरीन आता है तो उसे लिखते हैं क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आई है तो आयडो, ठीक है, और एफ है तो फ्लोरो, ठीक है। 2 डिग्री अनुलग्न में आता है 2 डिग्री पूर्व लग्न, इसमें आता है कोई रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। यदि रिंग बनती है तो उसको हम लिखते हैं साइक्लो, ठीक। फिर आती है मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये देखा जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक है, जिस कार्बनिक यौगिक का हमको IUPAC नाम लिखना है उसमें कितने कार्बन हैं, ठीक है, कितने कार्बन की मतलब कि कितने कार्बन कंपाउंड है। तो यदि एक कार्बन होगा, ठीक है, यदि एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम लिखते हैं, एक कार्बन के लिखते हैं मेथ, ठीक। दूसरे के लिए दो कार्बन होगा तो लिखते हैं एक, ये तीन कार्बन होता है तो लिखते हैं प्रो, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन की चेन है तो आक्ट, यदि नौ कार्बन है तो नॉन और दस कार्बन है तो लिखते हैं डेक, ठीक है। 2 डिग्री अनुलग्न में आता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध है, यानी सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। यानी इसमें देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच बंध,
ठीक है। देखिए यदि कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लिखते हैं एन एन, ठीक है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इसके लिखते हैं इन लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग आइन, ठीक। और इसमें 1 डिग्री अनुलग्न में आता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां तक इस फार्मूले को आपको कल जो है पिछले क्लास में आपको डिटेल में समझा दिया गया है, ठीक। अब हम इस फार्मूले को किस तरह लागू किया जाता है और कार्बनिक यौगिकों का नाम किस तरह लिखा जाता है, इसको हम समझाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए CH4 का नाम लिखना है, CH4, ठीक है। इसको ध्यान से पहले समझेंगे। अब CH4 को क्या करेंगे, CH4 पर हम इस फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले को लगाएंगे और जो है इसका नाम लिखेंगे। यानी सबसे पहले जब किसी भी कार्बनिक, सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें प्रतिस्थापी है कि नहीं है, ठीक है। प्रतिस्थापी है कि नहीं है, यदि प्रतिस्थापी होगा तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे प्रतिस्थापी में यह Cl है, Br है, I है और F है, ठीक। अभी देखेंगे तो इसमें कोई है, इसमें से कोई इसमें नहीं है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे 2 डिग्री पूर्वलग्न, यानी देखेंगे रिंग बन रही है कि नहीं रिंग बन रही है, इसमें रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब आते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला पर, ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम ये देखेंगे कि जिस कार्बनिक यौगिक का हमको IUPAC नाम लिखना है, उस यौगिक में, उस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कार्बन इसमें है, देखिए CH4 का नाम लिखना है हमको, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक, ठीक है। तो एक के लिए क्या लिखा जाता है, एक के लिखते हैं मेथ, ठीक है। यानी एक कार्बन है तो ये लिखेंगे मेथ, ठीक है। अब देखिए, अब आएंगे 2 डिग्री अनुलग्न पर, ठीक है। इसमें ये देखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो यहां पर ये देखिए, ये कार्बन है, इसके पास कुछ नहीं है, ये सबसे गरीब कार्बन है, ठीक है, जो एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो मेथ और प्लस हो गया एन, ठीक है। संधि कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेथेन, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है CH3, इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कोई प्रतिस्थापी है कि नहीं है, ठीक है। यानी ClBrIF जैसा कुछ है, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इसमें रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि जिस कार्बनिक यौगिक का हमको IUPAC नाम लिखना है, उसमें कितने कार्बन हैं, ठीक। तो इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। तो जब 2 कार्बन है तो दो के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए एथ, ठीक है, प्लस। अब देखिए इसके के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये इस तरह है, H और ये CH और H, ठीक है। जब डबल C आ जाएगा तो हमेशा और C और C के बीच बंद देखना है, ठीक है। तो C और C के बीच बंद कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखते हैं, तो ये हो गया N, यानी ये क्या हो गया, एथ प्लस N बराबर ये हो गया एथेन, ठीक है। चलिए आगे, अब जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3, इसका हमको नाम लिखना है, ठीक।
तो किसी भी, पहले ये बताए हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए इस फार्मूले को सबसे पहले दिमाग में फिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि ये है कि नहीं है, यदि ये होगा तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका नंबर आता है उसको लिखेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें सी एल बी आर आई एफ जैसा कुछ है, कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ेंगे। रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कार्बन, इसमें 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। तो यहाँ हो गया प्रोप, ठीक है, प्लस कार्बन कार्बन के बीच सभी जो है सिंगल बॉन्ड है, तो ये लिख देंगे एन होगा इसके लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसमें क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे इसमें ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है, यानी CLBRIF जैसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। फिर आगे बढ़ेंगे, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया। प्लस क्या होगा, प्लस इसमें कार्बन कार्बन के बीच बंद, कार्बन कार्बन के बीच सभी जो है एकल बंद है, सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं एन, एन लिखते हैं। संधि करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब चलिए आगे, अब जैसे मान लीजिए हमको नाम लिखना है CH2 CH2 CH CH3, ठीक है, इसका नाम लिखना है। तो इसमें हम चेक करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे इसमें CLBRIF जैसा कुछ है कि नहीं है, इसमें जैसा कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे। रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। फिर आगे देखेंगे, ठीक है, कि जिस कार्बनिक यौगिक का हमको नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो यहाँ कितना है, 1 2 3 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। तो हम लिख दिए प्रोप, प्रोप लिख दिए, ठीक। और उसके बाद अब देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच बंद कितना है। ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड है, ठीक, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यानी इस कंपाउंड में, इस कार्बनिक यौगिक में डबल और सिंगल दोनों है, ठीक है, डबल और सिंगल दोनों है। तो जब ये डबल और सिंगल, ठीक है, या सिंगल और ट्रिपल, यदि ऐसा होता है तो हम सबसे पहले केवल डबल को मेंशन करते हैं, ठीक, सबसे पहले हम डबल को मेंशन करते हैं। तो इसको मेंशन करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल है, तो हम सबसे पहले करते हैं इसकी नंबरिंग। मैंने ये बताया कि जब डबल और सिंगल दोनों होंगे तो डबल को हम दिखाएंगे, डबल को शो करेंगे, डबल को शो करेंगे, उसके बाद वो जो है क्या होगा, ऑटोमेटिक सब जो है सिंगल होगा। तो जब डबल को शो करेंगे तो ये शो करना पड़ता है कि वह किस कार्बन पर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी जो है 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो 5 कार्बन की चेन है, तो मैंने ये बताया कि हमको जो है डबल को शो करना है, कोई डबल जो है, जब डबल को शो करेंगे तो यह हमको बताना पड़ेगा कि जो डबल है वह किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि इसको नहीं शो करेंगे तो मतलब किस तरह होगा, इसलिए कि यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, और यहाँ पर डबल है। तो जब डबल को जब शो करेंगे तो उसके बाद क्या होंगे, सब सब जो है सिंगल होंगे। तो इसलिए इसको शो करने के लिए हमको ये बताना पड़ता है कि वह जो है किस कार्बन पर है। तो ये बताने के लिए हम सबसे पहले करते हैं इसका नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल को या ट्रिपल को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। यानी डबल को और
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, किसी में डबल होगा, किसी में ट्रिपल होगा, किसी में डबल और ट्रिपल दोनों होगा, ठीक है। यदि किसी में डबल दिया है तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे कि किस का किस कार्बन पर है तो उसको कम से कम नंबर मिले। यदि ट्रिपल दिया है तो नंबरिंग उधर से करेंगे कि इसको कम से कम नंबर मिले। जैसे मान लीजिए इसको हम नंबरिंग करेंगे, ठीक। अब देखिए यदि नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, यानी इधर से चल रहे हैं। जब इधर से चल रहे हैं तो ये किस पर आ रहा है, ये आ रहा है तीसरे पर, ठीक। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, हो गया। अब देखिए यानी जब इधर से नंबरिंग कर रहा है तो ये किस पर आ रहा है, ये आ रहा है दूसरे कार्बन पर, यानी ये हमारी जो नंबरिंग है यह सही है और ये नंबरिंग गलत है, ठीक। तो इस बॉन्ड को डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक। ये देखिए ये 1 2 3, तो 1 पर आ रहा है ये, और इधर से करेंगे तो 1 2, किस पर आ रहा है, 2 पर, यानी हमारी नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये 3 कार्बन की चेन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें कौन सा बांध है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बांध, ठीक है। तो डबल बांध के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, ठीक है, इन। तो प्रोब हमने इन लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये दिखाना पड़ेगा कि जो इन है वह किस कार्बन पर लगा हुआ है। इन माने, इन मीन्स होता है डबल बांध, ठीक है। तो जो इन है वह किस कार्बन पर लगा हुआ है, तो किस पर है, यह 1 पर है, पहले कार्बन पर है। तो प्रोप ये होगा प्रोप 1 इन, ठीक है। यानी ये होगा 3 कार्बन की चेन, ठीक है, उसके लिए हम लिख दिए प्रोप, ठीक। तो इसके पीछे यहां पर जो डबल बॉन्ड है इसको मेंशन करेंगे, तो मैं बताया आपको कि जब डबल बॉन्ड को मेंशन करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करेंगे तो इसकी हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कम नंबर मिले, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे यदि 1 2, ठीक है, यानी ये आ रहा है किस पर, 2 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 पर आ रहा है, ठीक। तो 3 कार्बन की चेन है तो हो गया प्रोप, ठीक, अब प्रूफ हो गया। अब डबल बॉन्ड है, यानी क्या है, डबल बॉन्ड होगा तो हम इन लिखेंगे, ठीक। तो इन लिख दिए तो ये हो गया डबल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड किस पर है, किस कार्बन पे, ये पहले पर है, ठीक है। तो हो गया प्रोप 1 इन, या हम इसको लिखेंगे प्रोपीन। यदि इसमें पहले कार्बन पर है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं प्रोपीन, ठीक है। यदि 2 पर आएगा तो यहां पर लिखना पड़ेगा प्रोपीन 2। चलिए आगे देखिए। अब जैसे मान लीजिए यहां 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया CH3, ये हो गया H और ये हो गया CH3, ठीक है। अब इसका हमको नाम लिखना है, तो मैं ये बताया इसमें हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर जो है डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। ध्यान दीजिए, ये हो गया 1 2, इधर से 2 पर आ रहा है, ठीक है। इधर से किस पर आ रहा है, इधर से 1 2, किस पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, यानी हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, फ्री है। अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए कितने कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 के लिखते हैं ब्यूट, तो हम यहाँ पर लिख दिए ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया। अब इसमें किसको शो करना है, डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे,
डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, तो ब्यूट अब यहाँ पर हो गया इन, ठीक है। लेकिन ये किस पर है, ब्यूट टू इन, यानी सॉरी ये ब्यूट है, चार कार्बन लिखते हैं ब्यूट, ठीक, यानी चार कार्बन की चेन है उसके लिए हम लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट लिख दिए। इसमें डबल बॉन्ड है, मैं ये बताया कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो हमने लिख दिया ब्यूट इन लिख दिया, ठीक है। लेकिन जो इन है वह किस पे है, वह किस कार्बन पे दिया हुआ है, वह दूसरे पर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ब्यूट टू इन, या इसे जब संधि करेंगे तो हम इस तरह इस तरह लिख सकते हैं कि ब्यूटीन टू, ठीक है, ब्यूट प्लस इन, ठीक है। तो इसको जब संधि करेंगे तो होता है ब्यूटीन, ठीक है, ये दूसरे कार्बन पर है तो ये दो हो गया ब्यूटीन टू, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ मान लीजिए छः कार्बन की चेन है, ठीक है, छः कार्बन की चेन है और हमने यहाँ पर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ठीक, ये हो गया सी एच थ्री, एच थ्री हो गया, ये एच हो गया, ए सी एच टू हो गया, एच टू हो गया, यहाँ एच होगा, यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर सी एच थ्री, ठीक है। इसका हमको लिखना है आई यू पी एस सी नाम, ठीक है, आई यू पी एस सी नाम लिखेंगे। तो फिर ध्यान दीजिए एक बार और शुरू से कर देते हैं, यानी सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई इसमें प्रतिस्थापी है कि नहीं है, कोई भी नहीं है, यानी सी एल बी आर आई एफ जैसा कोई है कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, रिंग बन रही है, रिंग नहीं बन रही है, फिर आगे बढ़ेंगे, अब कार्बन देखेंगे तो कार्बन कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, सिक्स कार्बन है। सिक्स कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे हेक्स सिक्स के लिए, ठीक, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो मैं ये कहा कि डबल बॉन्ड जो होता है उसको हम मेंशन करते हैं, उसको शो करते हैं, ठीक है। और यही बताया गया कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो। देखिए इधर से करेंगे वन टू थ्री फोर, किस पर आ रहा है, फोर पर आ रहा है, इधर से किस पर आ रहा है, वन टू, टू पर आएगा। यानी नंबर इधर से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हो गया। तो सिक्स के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। तो ये हो गया क्या, ये हेक्स हो गया, हेक्स, ठीक है। अब देखिए हेक्स के बाद इन है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन लिखते हैं, तो ये हो गया इन, ये इन हो गया, ठीक है। अब देखिए जो इन है वह किस पर दिया हुआ है, किस पर लगा हुआ है, वह वन टू दूसरे पर लगा हुआ है, तो हेक्स हेक्स टू इन, यानी हेक्स टू इन, या ये हो जाएगा हेक्स प्लस इन, इसको जब जोड़ेंगे संधि करते हैं तो ये होता है हेक्सीन, ये हो जाएगा हेक्सीन टू, भी इसको लिख सकते हैं हेक्सीन टू। अब देखिए वन टू थ्री, ये तीन कार्बन की चेन है, ठीक है, तीन कार्बन की चेन में यहाँ पर मान लीजिए लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, सिंगल बॉन्ड का मैंने बताया, डबल का बताया, अब बता रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर एच होगा, ठीक, यहाँ पर एच थ्री, ये देखिए अब इसका हमको आई यू पी एस सी नाम लिखना है, इसका आई यू पी एस सी नाम लिखना है, तो मैं पहले ही बताया कि इसको चेक कर लेते हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं है, जो प्रतिस्थापी है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। रिंग बन रही है, कुछ नहीं बन रही है। सीधे हम चलते हैं किस पर, मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है। इसमें कितने कार्बन की चेन है, ये 1 2 3, यानी तीन कार्बन है। तो जब तीन कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। तो हम लिख देते हैं प्रोप, प्रोप लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मेंशन करने के लिए बताया गया आपको कि जब डबल और ट्रिपल आएगा तो हम डबल और ट्रिपल को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है चुनाव करते हैं कि वह किस कार्बन पर है, ठीक है, और जिस कार्बन पर यह जिधर से नज़दीक पड़ेगा उसी को हम शो करते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, इधर से नज़दीक पड़ रहा है, ये पहले पर है। तो प्रोप, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। तो प्रोप यहाँ लिख देते हैं आयन, आयन, ठीक है। अब जो आयन है वह किस पर लगा हुआ है, किस कार्बन पे, यानी पहले पर, यानी प्रोप 1 आयन, ठीक है, प्रोप 1 आयन हो गया, या इसको हम प्रोपाइन भी कह सकते हैं, प्रोपाइन, ठीक है। जब पहले कार्बन कार्बन का होता है तो उसको हम लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो प्रोप प्लस आयन की संधि क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। बात समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड इस तरह लिखा हुआ है, यहां CH2, ठीक है, और यहां पर है CH2, ठीक है। अब देखिए, इसका हमको IUPAC नाम लिखना है, ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कोई प्रतिस्थापी है कि नहीं, यानी कोई CL, BR, I और F जैसा कोई है कि नहीं है, तो इसमें है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोई रिंग बन रही है, हाँ रिंग बन रही है, ठीक है, यानी रिंग का मतलब जुड़ना, वो किसे जाकर जुड़ेगा, तो रिंग बन रही है, तो रिंग बन रही है तो क्या लिखेंगे उसके लिए, साइक्लो। क्या लिखा गया है कि जब रिंग बनेगी तो क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, यानी हम लिख दिए यहाँ पर साइक्लो, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला है, तो उसमें देखेंगे कि जिस कार्बनिक यौगिक का हमको IUPAC नाम लिखना है उसमें कितने कार्बन है, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन है। तो तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। तो हम लिख दिए प्रोप, लिख दिए, ये हो गया प्रोप, ठीक है। अब देखिए, अब सभी बॉन्ड इसके सिंगल हैं, सभी बॉन्ड सिंगल हैं, तो प्रोप हो गया। अब सिंगल है तो क्या लिखते हैं इसके लिए, एन लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन, यानी ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां पर CH है, CH और इससे CL जुड़ा हुआ है, CL, ठीक। अब देखिए इसका नाम लिखना है हमको, यहां पर ये CH2 है, ये CH है, CH2 है, इससे CL जो है, इस C से जो है CL जुड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए, अब फार्मूला को लगाएंगे, ठीक। तो फार्मूला यानी प्रतिस्थापी इसमें है कि नहीं है, ठीक है, तो है कि नहीं है इसमें, यहाँ CL लगा हुआ है, यानी इसमें प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो जब प्रतिस्थापी होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ प्रतिस्थापी आएगा वहाँ हम करते हैं सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग, और नंबरिंग करते समय प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर देते हैं, प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर देते हैं,
ठीक है, इतना ध्यान रहे कि जब प्रतिस्थापी आएगा तो हम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी में सीएल है, बीआर है, आई है, एफ है, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, लेकिन इसकी नंबरिंग करेंगे, ये बताएंगे कि किस नंबर पर प्रतिस्थापी लगा हुआ है, ठीक है, और प्रतिस्थापी को सबसे कम से कम नंबर देंगे। यानी देखिए नंबरिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इस कार्बन को नंबर देंगे एक नंबर, क्योंकि इससे क्या कौन लगा हुआ है, सीएल। अब इसके बाद आप फ्री हैं, ठीक है, आप इसको दो लिख सकते हैं ये तीन, या इसको दो लिख सकते हैं ये तीन, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, यानी जो सीएल है, सीएल के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। ध्यान दीजिए सीएल होगा तो क्या लिखते हैं, क्लोरो। और क्लोरो किस पर लगा हुआ है, किस कार्बन पर, पहले कार्बन पर, यानी ये हो गया 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। ये पहला हमारा काम हो गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, अब आगे में रिंग देखते हैं कि कोई रिंग बन रही है कि नहीं, बन रही है, इसमें रिंग बन रही है, ठीक है। तो रिंग बनेगी तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। यानी ये हो गया 1 क्लोरो, उसके बाद किसका नाम आएगा, रिंग का, यानी रिंग का राइट को लिखते हैं साइक्लो, साइक्लो, ठीक है, 1 क्लोरो साइक्लो, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, तीन कार्बन हैं, तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, प्रोप, और प्रोप के साथ, यानी जो कार्बन है सबके साथ कौन सा बंध है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यानी ये हो गया 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, और चारों में बताओ, ब्रामो आयोडो क्लोरो। अच्छा चलिए एक ही बार पूछे में ना सब, एक ही बार में नहीं, अलग अलग सभी बार में पूछे, हाँ हो जाएगा। 1 2 3 4 जैसे मान लीजिए 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, जब 5 कार्बन की चेन है तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर सीएल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है एफ लगा हुआ है मान लीजिए, ठीक। अब इसको करते हैं बैलेंस, CH3 होगा यहाँ पर, CH2 होगा, ये H होगा, यहाँ पर H होगा, और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब देखिए तो अब इसमें प्रतिस्थापी है, ठीक है, तो है तो हम इसको लिखेंगे। अब देखिए तो हम इसका नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में ये देखेंगे कि जो प्रतिस्थापी है उसको कम से कम नंबर मिले, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको मेंशन करना है प्रतिस्थापी को, प्रतिस्थापी इसमें दो दिया है, एक सीएल है और एक एफ है, ठीक है। तो सीएल किस पर दिया है, हुआ सीएल दिया है किस पर, दूसरे कार्बन पर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 2 हो गया 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया, ठीक है। अब फिर ये जो तीसरा कार्बन है, तीसरा, इस पर लगा है एफ, ठीक है, तो 2 क्लोरो, और तीसरे कार्बन पर क्या है, एफ दिया है, एफ को क्या लिखते हैं, फ्लोरो, 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 3 फ्लोरो, ठीक है। अब तो यानी जितना हमारा प्रतिस्थापी दिया हुआ है उसका हमने नाम लिख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखिए इसमें कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। फिर अब ये देखेंगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी जिस कार्बनिक यौगिक का हमको नाम लिखना है उसमें कितने कार्बन हैं, तो कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, 5 के लिए पेंट, ये सब आपको याद चाहिए, तो मैंने लिख दिया पेंट लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन कार्बन है सबके पास सिंगल बॉन्ड है,
जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं इसके लिए, एन लिखते हैं, तो पेंट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो हमने सन्नी करके यहाँ पर लिख दिया, यानी ये हो गया टू क्लोरो थ्री फ्लोरो पेंटेन। ठीक है, टू क्लोरो थ्री फ्लोरो पेंटेन हो गया। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर लगा हुआ है Br, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, बस तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है Br, ठीक है, यानी ब्रोमो। हमने सब कुछ इसमें कर किया है पहले से ही, यानी यहां पर दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है Cl और तीसरे पर क्या लगा हुआ है Br। ठीक, तो हम क्या क्या करेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे, लेकिन देखिए जब प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसमें एक से अधिक प्रतिस्थापी दिया हो, ठीक है, यहाँ पर बी आर है, ठीक है, और दूसरे पर जो है सी एल है, एग्जाम्पल जो है सेम है, तीसरे कार्बन पर बस लगा दिया गया बी आर। इसमें ध्यान से सुनिए इस बात को कि जब जब इसमें कई प्रतिस्थापी दिया हो, ठीक है, जब कई प्रतिस्थापी दिया होता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो अंग्रेजी का वर्णमाला है, ठीक है, उसमें सबसे पहले किसका अक्षर आ रहा है, जैसे यहाँ पर बी आर है और यहाँ पर सी एल है, ठीक है, यहाँ ब्रोमो है, यहाँ क्लोरो है। ठीक, देखिए ब्रोमो और क्लोरो दोनों हैं, अब इसमें जो बी है वह पहले आता है और सी जो है बाद में आता है, तो हम बी को पहले इंगित करेंगे, पहले लिखेंगे और सी को बाद में लिखेंगे, ठीक है, ये क्रम ये सिस्टम जो है चलता रहेगा आगे। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, यानी दूसरे पर यहाँ पर दूसरे पर क्लोरो है लेकिन सबसे पहले कौन सा मेंशन करेंगे, ये ब्रोमो वाला, यानी ये क्या हो जाएगा, थ्री ब्रोमो हो गया। अब देखिए, अब दूसरे पर लगा है सीएल, ठीक है, तो ये क्या होगा, अब होगा टू क्लोरो, ये हो गया थ्री ब्रोमो टू क्लोरो। अब पांच कार्बन की चेन है तो इसके लिए क्या होगा, पेंट लिखेंगे, और उसके बाद क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, और पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन, पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन, यानी ये हो गया थ्री ब्रोमो टू क्लोरो पेंटेन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यानी टू क्लोरो पहले कर देंगे और थ्री ब्रोमो को बाद में, तो आपका जो है ये नाम गलत हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जब एक से अधिक आएंगे प्रतिस्थापी तो उसके जो अंग्रेजी में वर्णमाला में जो सबसे पहले अक्षर जिसका आता है उसको हम पहले लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो समझाने का प्रयास किया गया है उसको आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है, और जो किताब आपके पास है उसको पढ़िए, उसको हल करिए। धन्यवाद।